इंडिया ने बुरी तरह से पाकिस्तान को धूल चटा दी। इस मुकाबले में भारतीय टीम की बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग हर चीज अव्वल दर्जे की रही, जिसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में इतनी विशाल जीत की गूंज सुनाई दे रही है। तो वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने भी इस बीच भारतीय टीम की तारीफ में तो कसीदे पड़े, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर शायद आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। तो चलिए बताते हैं किस खिलाड़ी ने क्या कहा। लेकिन अगर आप भी विराट और राहुल की बल्लेबाजी से खुश है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दूसरे दिन रिजर्व डे पर जब खेल शुरू हुआ तो केएल राहुल और विराट कोहली ने बड़ी ही चालाकी से स्कोर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई। विराट ने तो शुरुआत में थोड़ा समय जरूर लिया, लेकिन राहुल अलग ही मंशा से मैदान पर उतरे थे। उन्होंने पहले इफ्तिखार की गेंद पर लेग साइड की दिशा में छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए और उसके बाद एक शानदार चौका भी जड़ दिया। राहुल इतनी ज्यादा बढ़िया माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे कि शहीन अफरीदी और नसीम शाह जैसे गेंदबाज का भी इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। सिर्फ बल्ले से शानदार चौके और छक्के ही निकल रहे थे। इसके बाद उन्होंने शादाब खान को अपना शिकार बनाया और कदमों का उपयोग करते हुए एक शानदार छक्का लगाया और अपना अर्धशतक भी पूरा कर दिया। भारतीय टीम 200 का आंकड़ा पार कर चुकी थी और गति इतनी तेज हो चुकी थी कि हर ओवर में 8 और 10 रन आसानी से आ रहे थे। दूसरे छोर पर विराट भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक के बेहद नजदीक पहुंच चुके थे। 37 ओवर में टीम ने लगभग 230 से भी ज्यादा रन बना लिए थे, लेकिन उसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल दोनों के अंदर ही मानो धोनी की आत्मा आ गई थी। दोनों ही छोर से सिर्फ चौके और छक्कों की बरसात हो रही थी। इसके बाद विराट ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और दोनों के अंदर अलग ही क्रिकेट देखने को मिल रहा था। भारतीय टीम ने सिर्फ 43 ओवर में 280 बॉर्डर पर लगा दिए थे। विराट 83 पर थे। उसके बाद 45 ओवर में टीम ने 300 का आंकड़ा पार कर दिया था और केएल राहुल ने अपना शतक भी पूरा कर लिया था। उसके बाद विराट कोहली ने बड़े ही शानदार अंदाज में चौके और छक्के लगाते हुए अपना शतक पूरा कर लिया और इस मैदान पर सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली का डंका बज रहा था। विराट कोहली ने धोनी के अंदाज में अंतिम गेंद पर भी छक्का लगाते हुए परी को समाप्त किया और 93 गेंद में 122 रन जड़ दिए। तो राहुल ने भी 106 गेंद में 111 रन बनाए और भारतीय टीम 356 रनों के पहाड़ सामान स्कोर तक पहुंच गई। उसके जवाब में जब लक्ष्य का पीछा करने पाकिस्तान की टीम उतरी तो जसप्रीत बुमराह ने सलामी बल्लेबाज इमामुल हक को सिर्फ 9 रन के स्कोर पर स्लिप में कैच आउट कर टीम को पहली सफलता दिलाई और उसके बाद हार्दिक पांड्या ने घमंड तोड़ा बाबर आजम का, जिन्हें 10 रन के स्कोर पर बोल्ड मार दिया। भारतीय गेंदबाजी के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाज कांपते हुए नजर आ रहे थे। दबाव इतना ज्यादा था कि एक रन लेना भी मुश्किल पड़ रहा था। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने मोहम्मद रिजवान को 2 रन के स्कोर पर कैच आउट कराया। 3 विकेट तो सिर्फ 47 रन के स्कोर पर गिर गए थे और उसके बाद फखर जमान को कुलदीप यादव ने बोल्ड मार दिया और अगर सलमान को भी LBW आउट करके पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। उसके बाद कुलदीप यादव ने शादाब खान को भी कैच आउट कर दिया और 110 रन के स्कोर पर 6 विकेट, कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए और भारतीय टीम इस मुकाबले को 228 रन से जीत गई। भारत की जीत के बाद सबसे पहले तो जोस बटलर का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने टीम इंडिया की घातक बल्लेबाजी और गेंदबाजी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर बल्लेबाज इस तरह के होते हैं जो क्रिकेट जगत में हर किसी को अपना मुरीद बना लेते हैं। मैं भी विराट और राहुल की बल्लेबाजी को देख उनका मुरीद हो गया। पाकिस्तानी टीम को उनकी बल्लेबाजी को देखिए तो एहसास हो गया है होगा कि भारत का पाकिस्तान की टीम से कोई भी कंपैरिजन नहीं है। भारतीय टीम के पास अलग ही लेवल के खिलाड़ी हैं और उनसे टकराना किसी भी टीम के बस की बात नहीं। बेन स्टोक्स ने इस बीच अपना बयान जारी करते हुए भारतीय टीम के खेल पर काफी ज्यादा हैरानी जाहिर की। उन्होंने कहा, मुझे तो लगता था कि पाकिस्तान की टीम काफी ज्यादा मजबूत है और भारतीय टीम को आसानी से हार लेगी, लेकिन मुझे गलत साबित करके भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने वास्तव में अलग ही कीर्तिमान रच दिया। एक मजबूत गेंदबाजी अटैक के घमंड को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया, लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम फाइनल मुकाबले में कम बैक करेगी, क्योंकि पहले भारतीय टीम फंस गई थी, अब की बार पाकिस्तान की टीम भारत के सामने फंसी है। मोइन अली ने भी इस बीच अपना बयान जारी करते हुए भारतीय टीम के खूब तारीफ करी। उन्होंने कहा, मुझे तो हमेशा से ही उम्मीद थी कि पाकिस्तान की तुलना में भारतीय टीम काफी मजबूत है
और यह बात भी पूरी तरह से सच है, जब पाकिस्तान की टीम के साथ मुकाबला होता है तो भारतीय खिलाड़ी बेहद संभल कर क्रिकेट खेलते हैं। और आजकल राहुल और विराट ने अपनी बल्लेबाजी से साबित कर दिया कि वह पाकिस्तान से हर एक चीज में आगे है। इस तरह से इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम की जीत और पाकिस्तान की हार पर बड़ा बयान जारी है। लेकिन आप सभी टीम इंडिया की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।